अक्सरियत में रहने वाले यहाँ के मुसलमानों के दिल की आवाज सुनते रहें तो किशनगंज में मुद्दे बेशुमार हैं, लेकिन चुनाव में सभी जमीनी मुद्दे छूमंतर हो जाते हैं और रह जाती है कलेजे में तीर की तरह चुभने वाली सिर्फ ध्रुवीकरण की गर्म हवा। इसी पर हार जीत का फैसला होता है, लेकिन क्या इस बार यहाँ के मुसलमान भड़काऊ भाईजान की पतंग को थामे रहेंगे या उसकी डोर काट देंगे? इस वक्त हम किशनगंज के पश्चिम पाली चौक पे खड़े हैं और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ के मुस्लिम भाईजान का मूड मीटर क्या है। कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं। इस बार मैं पहला वोट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं? यस सर। ये बताइए, कोई मुद्दा है, युवा है? एकदम सर, अभी देश का ये हाल है सर, युवा बेरोजगार है। आज इंजीनियरिंग कर लिया है, हर इंजीनियरिंग का हर कोर्स कर लिया है, अच्छा अच्छा डिग्री प्राप्त कर लिया, पर ये इस अभी रोजगार है ही नहीं। मैं खुद अभी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ, अभी भटक रहा हूँ, जब से लॉकडाउन हुआ है इतना खराब स्थिति है, युवा का स्थिति इतना। इस बार वोट अगर हम देंगे तो हम लोग रोजगार के आधार पर देंगे। हम लोग को 1,00,000 नौकरी चाहिए, जो तेजस्वी जी ने कहा था वो आए हैं, तो उनके जो नेता है जिसको हम जिताएंगे वो तो जमीन पे है ना। अब आप बात करेंगे तेजस्वी यादव जी, वो भी हवा हवाई है, नरेंद्र मोदी जी वो भी हवा हवाई है, अमित शाह जी वो भी हवा हवाई है। बताइए, भाई साहब कह रहे हैं कि हैदराबाद वाले भैया हैं, वो हैदर वाला आए या कलकत्ता वाला आए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो काम करने वाला आदमी हम लोग उसको वोट देंगे। काम तो नीतीश कुमार कर रहे हैं कि बहुत सड़क बनाया, बिजली धनम चकाचक है, उससे रोजगार वो तो पब्लिक रोड नहीं ना खाएगा, रोजगार खाएगा। अरे तो कहाँ जाएंगे ये बताइए ना, हम पूछ रहे हैं। यहाँ 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 आप कहीं जा ही नहीं रहे, कहीं तो जाइए। कहाँ जाएंगे? चौराहे पर रहना है, चौराहे पर रहना है, इसी में जीना है, इसी में मरना है। ये राजनीतिक चौराहे में फंसे हैं। बोले भाई आप आगे, वही हाल है जो भाई साहब बोले उनसे हम सहमत हैं। युवा है आप, किशनगंज के युवा है, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या मुद्दा होना चाहिए, किस मुद्दे पे वोट डालेंगे? बस रोजगार, रोजगार, जो रोजगार का वादा किया वही उसी पे मुद्दा है। कौन किया है रोजगार? तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी, तो यहाँ पे कोई रुके हुए हैं, दफ्तरी है ना पैलेस जी, वहाँ एक बड़े नेता जी रुके हुए हैं, जानते हैं उनको? जी अवैसी जी, जी जानते हैं। तो कह रहे हैं कि हम तो किशनगंज के लिए एकदम परेशान हैं, कैसे यहाँ का विकास हो, तो उनको क्यों नहीं चुनेंगे आप? उसको वो अपना जगह पे, हम तो तेजस्वी जी के हैं। आप तेजस्वी जी? जी जी। चलिए, तो इस चौक पे अलग अलग विचार हैं लोगों के। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो जमीनी नेता है उसके पास जाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं रोजगार के साथ जाएंगे, कुछ लोग विकास के साथ जाएंगे। खैर आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। बिहार में विकास के पैरामीटर पर अगर रैंकिंग की बात की जाए तो किशनगंज का जिक्र निचले पायदान पर होता है। ऐसे में यहाँ के मुसलमान चुनावी वादों और मजहबी नारों से मुतमईन होंगे या फिर विकास पर बटन दबाएंगे? इसकी नब्ज टटोलते हम बड़ी मस्जिद की तरफ निकल पड़े। इस वक्त हम किशनगंज के बड़ी मस्जिद के सामने खड़े हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं। सर ये बताइए कि कैसा है किशनगंज में माहौल, चुनावी माहौल? दो की लड़ाई यहाँ, किसके किसके भी? MIM और कांग्रेस से बस। अच्छा। देखिए महागठबंधन को इसलिए वोट डालेंगे, नौकरी का जो बात बोले हैं तेजस्वी यादव, जो नौकरी देंगे इसी वजह से लोग महागठबंधन के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के आपके विधायक MIM के हैं? MIM को भी मिलेगा वोट, लेकिन लड़ाई तो बोलनी इसी दोनों में ही होगी। किशनगंज के लिए तो पतंग छाप, पतंग छाप, ये पतंग छाप मतलब MIM। MIM उन पे एक आरोप लगाया जाता है, मैं नहीं कह रहा, एक आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम समाज के लोग वोट देते वक्त इनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, सहूलियत ये मुद्दा नहीं होता, मजहब के नाम पे वोट डालते हैं। और शायद यही कारण है कि हैदराबाद से चलकर ओवैसी साहब किशनगंज आते हैं, क्योंकि यहाँ मुसलमान मतदाताओं की संख्या 61% से अधिक है। देखिए 70 साल में सिर्फ मुसलमानों का यहाँ शोषण हुआ, या ओवैसी साहब हो, या RJD हो, या कांग्रेस हो, 70 साल में मुसलमानों का कोई भला नहीं किया, सिर्फ शोषण किया गया। अब वोटर को चाहिए शिक्षा, खाना, रोजगार। अब हिंदू मुसलमान से आदमी थक गया है, यहाँ के मुसलमानों को सिर्फ ठगने का काम किया गया है, बाकी कुछ कोई तरक्की नहीं है। जो भाजपा NDA को हराएगा उसको वोट जाएगा? जी वो भी, जी वो भी, वो भी होगा, वो भी होगा, जो भाजपा NDA को हराएगा उसी को वोट दिया जाएगा। मतलब एक तरफा वोट, एक तरफा वोट होगा जीतने वाले उम्मीदवार को, जो जो भी होगा। हम तो बोलिए जो भी होगा, चाहे कांग्रेस जाए, चाहे MIM जाए, बस एक तरफा वोट जाएगा। वो कौन है जो NDA को हरा सकता है? तो इस तरह की बातें यहाँ सामने आ रही है, कुछ और लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। चलिए, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।